सो हे जीजे के फैंस, चैन से सोना है तो जाग जाओ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ गोजो किलर यानी जेजे अकुतुमी के कमाल के फैक्ट जो आपको नहीं पता होंगे। एंड ये वो इंसान है जो इस वक्त गोजो से भी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। सोशल मीडिया में इसे काफी बुरा भला कहा जा रहा है। बेसिकली तो ये जुजुत्सु काइसर का राइटर है, बस इसमें इतना क्या खास है। नंबर वन, जेजे अकुतुमी ने कभी भी अपना फेस कैमरे पे शो किया ही नहीं है। जेजे काफी ज्यादा प्राइवेट पर्सन है एंड वो आज तक सिर्फ एक ही टीवी इंटरव्यू में अपीयर हुआ है एंड उस इंटरव्यू में भी उसने मैकामारू का कॉस्प्ले किया था अपने फेस को छुपाने के लिए, बस आवाज असली थी बाकी सब नकली। एंड इस इंटरव्यू में जेजे ने काफी ज्यादा भारी टोन का यूज किया था। वैसे तो जेजे ने खुद ही बताया था कि वो बॉयज प्राइवेट स्कूल में पढ़ चुका है जब वो यंग था एंड काफी सारे फैंस मानते हैं कि जेजे एक मेल है, बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। मतलब तुम ही सोचो कि उसे अपना चेहरा छुपाने की क्या ही जरूरत है। मे बी सम काइंड ऑफ पर्सनल रीजंस। नंबर टू, जेजे फैन है सुकुना और अकोल्ट्स का। जैसे कि हम जेजे की मांगास देखें तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि जेजे को मिस्टिकल थिंग्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है एंड वो इन्हीं चीजों से काफी ज्यादा इंस्पायर होता है एंड उसने काफी ज्यादा डीपर लेवल तक लेके जाता है। एंड इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है रायोमैन सुकुना जो एक रियल पर्सन पे बेस्ड है, स्ट्रेंज अर्बन लेजेंड, जो अपनी लाइफ के इर्द गिर्द घूमते रहते एंड वो उनसे इतना ज्यादा इंस्पायर्ड था कि उसने तो एक सुकुना नाम का करेक्टर ही बना दिया। सच बता रहा हूँ, बहुत अजीब आदमी है यार ये, नो हेट। नंबर थ्री, जेजे हेट्स सातोरु गोजो। जेजे हेट्स द मोस्ट पॉपुलर करेक्टर इन जुजुत्सु काइसन गोजो सातोरु एंड इसमें कोई भी शक नहीं है एंड इसके ऊपर इसने एक स्टेटमेंट भी दी थी। गोजो के पास जो चीज नहीं है वो है उसकी पर्सनैलिटी एंड अब वो जा चुका है एंड अब 2020 का साल सबसे ज्यादा बेहतरीन साल होगा एंड मांगा वालों के लिए तो उससे भी ज्यादा। एंड ये सारे वर्ड्स जेजे ने कहे थे गोजो के बारे में। वैसे आखिर जेजे गोजो को हेट क्या करता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसने एक्सीडेंटली उसको काफी ज्यादा ओवरपावर्ड बना दिया है एंड इन द रिजल्ट गोजो की प्रेजेंस स्टोरी पे काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा करती हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उससे स्टोरी का डेवलपमेंट काफी ज्यादा कम होता है। एंड आखिर में मैं जेजे से यही कहना चाहूंगा, ये कैरेक्टर तुमने ही बनाया था एंड इसके साथ तुम कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। नंबर फोर, यूजी इतादोरी एंड सागुरा गीतो का नाम जेजे ने कैसे रखा? जेजे के लिए यूजी एक नाम से भी काफी ज्यादा बढ़कर था। जेजे ने बताया था कि यूजी असल में उसके चाइल्डहुड क्लासमेट का नाम था एंड जो उसका फैमिली नेम इतादोरी है वो रेफरेंस करता है स्पेशल हीलिंग हब को। एंड इन्हीं सब चीजों से आइडिया लेके उसने ऐसा करेक्टर बनाया जो लोगों की मदद करे एंड बाकी यूजी के साथ ही उसने सागरो गीतो का भी नाम रखा था। वो रखा था गीतो कोरियन साकी रिजोर्ट के नाम पे जो अकुतुमी होम टाउन ऑफ टोहोको के पास ही पड़ता था। नंबर फाइव, जेजे कलर ब्लाइंड है। ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है कि जिसने काफी ज्यादा पॉपुलर मांगा सीरीज बनाई है वो असल में एक कलर ब्लाइंड इंसान ने बनाई। एंड बेसिकली कलर ब्लाइंड इंसान वही होता है जिसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अलावा और कोई कलर वो दिख नहीं सकता। एंड बाकी जेजे ने कहा है कि कलर कुछ भी मैटर नहीं करते, मैं सिर्फ उससे इतना ही पूछना चाहूंगा कि यूजी के बालों के साथ इतनी छेड़खानी क्यों की है। एंड इसी चीज के कारण यूजी के काफी बार बाल चेंज हो चुके हैं। एक बार ब्राउन हो गया था, एक बार पिंक हो गया था, एक बार व्हाइट हो गया था, एक बार रेड हो गया था, ऐसे काफी बार चेंजेस होते रहे। नंबर सिक्स, जेजे काफी ज्यादा हेवनली इंस्पायर्ड है ब्लीच से। एंड जिन्हें ब्लीच के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं, वो एनिमे के बिग थ्री में आते हैं जिसमें नरूटो एंड वन पीस भी हैं। और रही बात जेजे की तो उसकी फेवरेट मांगा चाइल्डहुड में ब्लीच ही थी एंड उसने बताया था कि टाइट कुबो उसके काफी बड़े इंस्पिरेशन रहे एंड उसका आर्ट स्टाइल उसने काफी बार अपने मांगा में यूज किया। टाइट कुबो बेसिकली मांगा राइटर है ब्लीच के एंड जेजे ने बताया कि उसकी काफी ज्यादा स्टोरीज और प्लॉट ब्लीच के डार्क प्लॉट की जैसी ही होती है। नंबर सेवन, यूजी एंड फिशर गिरो नरूटो एंड सास्के पर बेस्ड करके बनाए गए हैं। ये बात बिल्कुल सच है, यूजी की जो रेड स्कार्फ था वो भी इंस्पायर करके बनाया गया था नरूटो की नेक कवरी जैकेट को देख के। और रही बात फुशिगिरो की तो उसका ओवरऑल लुक सास्के पे इंस्पायर होकर बनाया गया था एंड जेजे ने यूजी एंड फुशिगिरो को ऐसे बनाया था जैसे नरूटो एंड सास्के थे कि थोड़ी फाइट कम ही करें। नंबर एट, जेजे ने जुजुत्सु काइसन से पहले वन शॉट रिलीज की थी। वन शॉट बेसिकली जेजे की सबसे पहली मांगा थी जिसे कोई भी नहीं जानता। बेसिकली उसकी जुजुत्सु काइसन ही पॉपुलर हुई थी एंड उसके अलावा वन शॉट को इतनी भी ज्यादा कुछ खास है नहीं कि उसके बारे में पता होना चाहिए किसी को। नंबर नाइन, जेजे अकुतुमी असल में जेजे अकुतुमी का असली नाम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि जेजे अकुतुमी असल में आर्टिस्ट का रियल नेम नहीं है। ये असल में वो भी नाम नहीं होने वाला था, उससे पहले उसने अपना नाम रखना था डुकु डामी मेल। आई नो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, बस उसने अपने काम के लिए इस ये नाम को यूज किया। डुकु डामी मेल अगर होता तो वो ज्यादा ही अजीब लगता।
लगता। बाकी जेजे को तुम्हें अच्छा था एंड उसने अपना रियल नेम तो कभी बताया। नंबर 10, जेजे फेमस कैरेक्टर को थोड़ा नॉर्मल रखना चाहता था। अब जैसे कि बाकी राइटर्स होते हैं जो अपने एनिमे में काफी ज्यादा अनकंफर्ट चीजें और सीन्स दिखाते हैं, बट ऐसा इसने बिल्कुल भी नहीं किया। बिकॉज जेजे को लगता था कि पेरेंट्स अगर ऐसी चीजें देखेंगे तो वो अपने बच्चों को ये शो कभी देखने ही नहीं देंगे, एंड इसलिए जेजे ने अपनी फेमस कैरेक्टर को काफी ज्यादा नॉर्मल रखा ताकि एक फैमिली बॉन्ड बन सके। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम समझ जाओ। एंड मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।